आज हम चने की जो उन्नत प्रजातियां हैं जो हमारे पूसा संस्थान से विमोचित की गई है उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। मध्य भारत यानी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड, इन रीजन के लिए पूसा चिकनी मानव यानी पूसा चना मानव ये एक उन्नत किस्म है जिसमें जो भुखटा रोग है 100% प्रतिरोध शक्ति इसमें हम लोग मॉलिकुलर ब्रीडिंग के द्वारा डेवलप किया गया। इसकी औसत उपज 3 टन प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह हम लोग दो और किस्में, एक पूसा चना 10216 और पूसा चना 4005, ये दोनों किस्में पूसा 1016 जो है मध्य भारत क्षेत्र के लिए यानी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य भारत, छत्तीसगढ़ और बुंदेलखंड रीजन के लिए, और 4005 राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए विकसित की है। ये दोनों किस्में ऐसे हैं कि ये शुष्क समय यानी जो ड्राउट कंडीशंस है, जब पानी बहुत कम भी आती है तब भी इनकी उपज बहुत अच्छी आती है। पूसा 4005 में बहुत कम वर्षा पे भी ये ऑलमोस्ट 2 टन प्रति हेक्टेयर, और इसी तरह पूसा चना 1016 भी 2 टन प्रति हेक्टेयर बहुत कम से कम बारिश में भी दे सकते हैं। उसके साथ ही उकटा रोग प्रतिरोधी है। 4005 जो एस्कोकाइटा ब्लाइट उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में आता है उसका भी रेजिस्टेंट है। तो आजकल बहुत से किसान भाइयां मैकेनिकल थ्रेशर जो कंबाइन आती है इसी से आप कटाई और हार्वेस्टिंग दोनों कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने पूसा पार्वती का विमोचन किया है। पूसा पार्वती जो है ये भी मध्य भारतीय क्षेत्र के लिए है और इसकी औसत उपज 2.2 टन प्रति हेक्टेयर है। साथ ही साथ ये मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए उपयुक्त है। इसी तरह हम लोग यदि पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार के जो किसान हैं जो धान के बाद चना लगाते हैं तो इसमें इनको जल्दी पकने वाली 108 से 110 दिन के अंदर जो पकती है अधिक उपज देती है। और यहाँ एक फफूंदा रोग आती है जिसे हम बॉटरेटिस ग्रे मोल्ड कहते हैं, इसका प्रतिरोधी हो ऐसी किस्म की सख्त जरूरत है। और पूसा 3043 जो किस्म विमोचित की गई है इस संस्थान से ये इन सबके लिए काफी उपयुक्त है। साथ ही साथ ये 2.2 टन प्रति हेक्टेयर की उपज देने की क्षमता रखती है। आप लोगों को काबुली किस्म जो मोटे दाने वाली है उसका भी आपको काफी डिमांड है। और जो मोटे दाने वाले किस्में जो उत्तरी पूर्व क्षेत्र में इनको उगाई जाती है उसमें उकटा रोग के साथ साथ एस्कोकाइटा ब्लाइट ये भी एक फफूंदा रोग आती है। और इनकी प्रतिरोधी वाली किस्म है पूसा 3022। इसकी 100 दाने की वजन 40 ग्राम के बराबर है। दाना सफेद और बहुत आकर्षणीय है और साथ ही साथ इसकी उपज प्रति हेक्टेयर 2.7 टन से 3 टन प्रति हेक्टेयर है। तो किसान भाइयों ये जो उन्नत किस्में हाल ही में 2018 से 2021 के बीच में इस संस्थान से विमोचित की गई है इनका बीज आपको हमारे यहाँ पूसा सीड सेल काउंटर से आप संपर्क कर सकते हैं यदि इनकी बीज चाहिए। साथ ही साथ नेशनल सीड कॉरपोरेशन जो है ये भी इसकी रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड सीड आपको उपलब्ध करा सकती है।